दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसे करने से आपके घर से बुरी नजर, नेगेटिव एनर्जी तुरंत दूर होती है। इसके साथ ही शनि भगवान की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शनि की दशा में व्यक्ति के साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे वह खुद भी हैरान सा ही हमेशा रहता है। इतने ज्यादा कष्ट उस पर आ जाते हैं कि वह कुछ भी नहीं समझ पाता है और हर दिन अपनी परेशानियों को भी बढ़ाता रहता है। इसके साथ ही घर में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं और घर के सभी लोग भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। वैसे तो शनि की दशा में व्यक्ति के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे हमेशा ही दुखों का सामना करना पड़ता है, बल्कि शनि की दशा में तो काफी लोगों की जिंदगी भी अच्छी तरह से बदल जाती है। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिलते हैं दोस्तों और काफी तरक्की भी होने लगती है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शनि की दशा में काफी लोग इतना ज्यादा तरक्की भी प्राप्त कर लेते हैं कि उनका मान सम्मान बहुत दुगनी तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसके दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं तो बहुत तेजी से व्यक्ति नीचे भी आ जाता है। यही खासियत होती है शनि की महादशा में कि या तो एकदम से बहुत ज्यादा तरक्की होने लगती है या फिर एकदम से बहुत ज्यादा दुख और कष्ट आपके जीवन में आने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, शनि की महादशा से बचने के लिए, इसके दुष्प्रभाव दूर करने के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में दोस्तों आपको एक काले घोड़े की नाल लेनी है। वैसे ही लेकर नहीं लगानी है, बल्कि उसकी भी पूरी विधि होती है। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको यह नाल लगानी है जिस प्रकार हम आपको बताएंगे। यह काले घोड़े की नाल आपको कहीं से भी नहीं खरीदनी है, बल्कि उसी व्यक्ति से लेनी है जिसके पास काला घोड़ा हो और वह आपके ही सामने उस काले घोड़े की नाल को उतार कर आपको दे सके। उसी नाल का आपको प्रयोग करना है। यह आपको शनिवार के दिन लेनी है, 12 बजे से पहले ही लेनी है। और इसके बाद आपको जरूरत है पीपल के पेड़ की थोड़ी सी जड़ की। पीपल के पेड़ की जड़ आप कहीं से भी थोड़ी सी काट कर ले सकते हैं। इसके बाद आपको यह जड़ उस घोड़े की नाल में लगा देनी है। जहां पर उस घोड़े की नाल में छेद होते हैं, आपको वहीं पर इस जड़ को भी लगा देना है। यह कार्य आपको शनिवार के दिन 12 बजे से ही पहले करना है। इसके बाद आपको यह नाल अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर लगा देनी है। आपको यह नाल इस प्रकार लगानी है कि इससे आपको यू बनता हुआ नजर आए। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि शनिवार के दिन ही यह प्रयोग को करना है और घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल बाहर ही आपको यह नाल लगा देनी है। अगर आपका ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस के बाहर भी इस नाल को लगा सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आए रहते हैं और लंबे समय तक दुर्भाग्य चलता रहता है, बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता है, तो वह व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने से शनि के जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वह दूर हो जाते हैं, बल्कि शनि के अच्छे प्रभाव आपके जीवन में आने लगते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलने लगती है और आप सफलता को प्राप्त करने लगते हैं। एकदम से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिसे आप खुद भी महसूस करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार करना है। ऐसा करने से शनि भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े घर में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ग्रह कलेश दूर होता है और बहुत ज्यादा तरक्की भी मिलने लगती है। तो जरूर आप इस प्रयोग को करें दोस्तों, क्योंकि इसके और भी अधिक फायदे होते हैं। इसको करने से बुरी नजर कभी भी आपके घर पर नहीं लगती है, किसी भी प्रकार का जादू टोना बिल्कुल भी नहीं होता है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह भी दूर रहती है। तो जरूर करें दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई विशेष समस्या है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारियां सही समय पर सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।